हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अबीट्स पर बनाने वाली हूँ पनीर की बहुत ही लाजवाब रेसिपी, जिसे कहते हैं पनीर नवाबी। पनीर नवाबी एक क्रीमी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, जिसे दही, दूध, काजू, क्रीम और कुछ मसालों के साथ बनाया जाता है। ये रेसिपी पनीर के बाकी रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसका टेस्ट आपको बेहद पसंद आएगा और इसका प्रिपरेशन भी बहुत ईजी है। तो चलिए बनाते हैं पनीर नवाबी की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए पनीर 200 ग्राम, रिफाइंड तेल 1 से 2 टेबलस्पून, घी 1 से 2 टेबलस्पून, प्याज 1 मीडियम साइज्ड, लहसुन की कलियां 8 से 10, अदरक 1 इंच, हरी मिर्च 2 से 3, खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है हरी इलायची 2, बड़ी इलायची 1, लौंग 2, तेजपत्ता 1, दालचीनी 1, खड़ा जीरा 1 टीस्पून, काजू 12 से 15, क्रीम 3 से 4 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, नमक एज पर द टेस्ट और पानी 1/4 कप। तो सबसे पहले एक नॉनस्टिक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून रिफाइंड तेल। जब तेल अच्छे से हीट हो जाए तो डालेंगे 1 मीडियम साइज्ड कटे हुए प्याज। प्याज को चॉप्ड या फिर रफली कट करके डाल सकते हैं। फिर डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच कटे हुए अदरक। फिर 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। इन सब को लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। कुछ सेकंड्स चलाने के बाद डालेंगे 12 से 15 काजू और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से चला लेंगे। पानी डालने से ये जलेंगे नहीं। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें पेस्ट का कलर वाइट ही चाहिए। गैस ऑफ कर इसे ठंडा कर लेंगे और फिर ब्लेंडर में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा पानी ऐड कर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून घी। आप घी की जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। घी गर्म होने पर डालेंगे खड़ा गरम मसाला, जिसमें मैंने लिया है 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी और 1 टीस्पून जीरा। इन सबको कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पर चला लेंगे। इसके बाद प्याज काजू का जो वाइट पेस्ट रेडी किया था वो डालकर चलाते हुए पेस्ट को कुक करेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। आधे से 1 मिनट के बाद डालें नमक एज पर योर टेस्ट और साथ में डालें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इन सभी मसालों को
पेस्ट के साथ 1 मिनट के लिए चलाते हुए कुक कर ले। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और तेल भी छोड़ रहे हैं। इस स्टेज पर गैस ऑफ कर ले और डाले 2 टेबलस्पून दही। दही को हमेशा गैस ऑफ कर या बिल्कुल लो फ्लेम पर डालें। ऐसा करने से दही फटती नहीं। अच्छे से दही को मसालों के साथ मिक्स कर ले और फिर गैस ऑन करें। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और डालें 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम। मैंने यहाँ अमूल क्रीम लिया है। आप क्रीम की जगह मलाई का भी यूज कर सकते हैं। क्रीम अच्छे से मिक्स कर ले और डाले 1 टीस्पून कसूरी मेथी। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी लग रही है। अब 1/4 कप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर ले। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी कम थिक चाहिए तो 1/4 कप की जगह 1/3 या 1/2 कप पानी डालें। अपने हिसाब से ग्रेवी बैलेंस करें, टेस्ट में बहुत फर्क नहीं आएगा। अब डालें 200 ग्राम पनीर। मैंने पनीर को क्यूब के शेप में पहले से ही कट करके रेडी कर लिया था। पनीर क्यूब्स को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लें और लास्ट में डालें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। और ये लीजिए, बन गई पनीर नवाबी की रेसिपी। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें रोटी, पराठा, नान या कुलचे के साथ। पनीर नवाबी मसाला कुलचा के साथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आपको मेरी ये पनीर नवाबी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपबीट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।